हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑटोमोटिव। और आज हम गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक महिंद्रा पिकअप और महिंद्रा मैक्सी ट्रक पर होगा, और हम आपको इन गाड़ियों की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों को, जैसे इनका इंजन, इनका माइलेज, पेलोड कैपेसिटी और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए यूनिक ऑटोमोटिव के साथ। तो दोस्तों, महिंद्रा बोलेरो पिकअप में आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, एक बोलेरो मैक्सी ट्रक, दूसरा बोलेरो पिकअप, तीसरा बोलेरो कैंपर गोल्ड। नॉर्मली सबसे ज़्यादा ये दो गाड़ी लोग प्रीफर करते हैं, मैक्सी ट्रक और पिकअप, तो हम इन पर ही बात करेंगे। दोस्तों, बोलेरो मैक्सी ट्रक के पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 1200 केजी डीजल वेरिएंट में, 1305 केजी सीबीसी वेरिएंट में और 1150 केजी सीएनजी वेरिएंट में मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों, बोलेरो पिकअप एफबी 1.7T में 1700 केजी का पेलोड कैपेसिटी मिल जाएगा। और दोनों ही मॉडल की लेंथ की बात करें तो आपको दोनों में बहुत फ़र्क मिलेगा। बोलेरो मैक्सी ट्रक थोड़ा छोटा है पिकअप 1.7 से। बोलेरो मैक्सी ट्रक में 8.2 इंचेस लंबी, 5.3 इंचेस चौड़ी और 1.5 इंचेस ऊंची कार्गो बॉडी मिलेगी। और दोस्तों, बोलेरो पिकअप 1.7 की बात करें तो इसमें आपको 9 फीट लंबी, 5.5 फीट चौड़ी और 2.1 इंचेस लंबी कार्गो बॉडी मिल जाएगी। और व्हील बेस की बात करें तो मैक्सी ट्रक में 3150 mm का व्हील बेस मिलता है और पिकअप में 3260 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। और बात करें बोलेरो मैक्सी ट्रक के इंजन की तो इसमें लगा है महिंद्रा का M2DICR 2.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 2523 cc और 65 HP की पावर देगा 3200 RPM पे, और 195 न्यूटन मीटर का तगड़ा टॉर्क देगा 1400 से 2200 RPM पे। और बात करें बोलेरो पिकअप 1.7 के इंजन की तो इसमें लगा है महिंद्रा का M2DICR 4 सिलेंडर 2.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 2523 cc और 75 HP का पावर देगा 3200 RPM पे, और 200 न्यूटन मीटर का तगड़ा टॉर्क देगा 1400 से 2200 के RPM पे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही मॉडल में 10 HP और 5 न्यूटन मीटर का फ़र्क है। मैक्सी ट्रक के माइलेज की बात करें तो अराउंड 15 से 16 का एवरेज मिलेगा, और पिकअप 1.7 की माइलेज अप्रॉक्स 13 से 14.3 का मिलेगा। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा सिंगल प्लेट ड्राई क्लच के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। दोस्तों, मैक्सी ट्रक में आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं दोस्तों पिकअप में आपको 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। दोस्तों, इन दोनों ही मॉडल में रिगार्ड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यानी पाटे मिलेंगे आगे भी और पीछे भी। सस्पेंशन में कोई खास बदलाव नहीं है दोस्तों। ब्रेक्स में वही पुराना सिस्टम, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक। इन दोनों ही मॉडल के फ्रंट और रियर 195/80R15LT यानी लोडिंग टायर मिल जाएंगे। BS6 इमिशन के हिसाब से इनमें महिंद्रा के कुछ खास फीचर्स डाले गए, जैसे इसमें आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा, AC ऑप्शनल है, और महिंद्रा आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देती है। जैसे कोई गाड़ी पहाड़ी एरिया में चलती है, कीचड़ वगैरह में, तो आपको 4x4 सिस्टम वाला मॉडल ले सकते हो, ये भी एक गुड ऑप्शन है। दोस्तों, इसके कैबिन की बात करें तो इसमें पहले से कुछ खास चेंजेस नहीं है, पर ठीक है, इसके हिसाब से ये गाड़ी हार्ड वर्क और एक्सट्रीम एरिया के लिए बनी है। सीटिंग एरिया में ड्राइवर प्लस वन यानी 2 सीट्स मिलेगी। आखिरकार महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक के सेगमेंट में पहले से काफ़ी सुधार आया है BS6 इमिशन के हिसाब से। तो दोस्तों, फाइनली इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइस की बात करें तो महिंद्रा मैक्सी ट्रक प्लस आपको अप्रॉक्स 6.80 लाख से 7.10 लाख तक मिल सकती है, और महिंद्रा पिकअप 1.7 TFB आपको 8.7 से 8.15 लाख तक हो सकती है। ये प्राइस डिफरेंट स्टेट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारी अगली वीडियो में क्या सुधार करनी चाहिए ये मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनिक ऑटोमोटिव के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।